रायबरेली स्कूल के संचालक को ये नहीं पता था जिन छात्रों को उनके स्कूल में शिक्षा दी गई वही छात्र उनसे रंगदारी भी मांग सकते हैं। जहां कुछ ऐसा ही वाक्य रायबरेली जनपद से सामने आया है, जहां एक निजी स्कूल के संचालक से अज्ञात युवकों द्वारा 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए सविलांस टीम एसओजी की मदद से 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए अभियुक्त ने बताया, हम लोग फिल्म देखकर इस अपराध को अंजाम दिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ न्यू स्टैंडर्ड स्कूल ग्रुप के मालिक शशिकांत शर्मा हैं। वो उनके फ़ोन पर 5 तारीख को एक कॉल आता है जिसमें उनसे 30 लाख की फिरौती मांगी जाती है और ये कहा जाता है कि अगर आपने ये पैसे उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे तो 4 दिन के अंदर आप पर मर्डर हो जाएगा। और उस कॉलर द्वारा इनके परिवार के बारे में भी कुछ जानकारी दी गई, जैसा कि उसने ये बताया कि हम सारी चीज़ों पर नज़र रख रहे हैं, अगर तुम हमारा कहना नहीं मानोगे और पैसा नहीं दोगे तो हम तुमको जान से मार देंगे। इसकी सूचना उनके द्वारा तत्काल मलेरिया थाने में दी गई और इस टीम में पूरी एक टीम गठित की गई सीओसीटी के नेतृत्व में, जिसमें सीओसीटी और इंस्पेक्टर मलेरिया और हमारे सभी प्रभारी लगे और 2-3 दिन के प्रयास के बाद इसका खुलासा हुआ। और इसमें जो इसका मास्टरमाइंड एक अमरेंद्र सिंह नाम का लड़का है जो इसी के स्कूल का छात्र था और उसके पिताजी भी वहाँ काम भी करते थे, जिसकी वजह से उसको जानकारी थी। ये इस लड़का डिप्लोमा इंजीनियरिंग इसने कर रखा है, लेकिन इसकी संगत बिगड़ गई थी और इसने पूछताछ पर ये बताया कि जो है ये उसने शूटर फिल्म कोई देखी थी जिसमें इसका तरीका अपराधा बताया गया था, उसी से जो है इसने ये तरीका ईजाद किया। और अपना जो उसका ममेरा भाई है एक अमरेंद्र सिंह जो कि अमेठी का रहने वाला है, उसके साथ मिलकर इस पूरी घटना को अंजाम दिया। सर किस लिए घटना के लिए क्या मतलब वजह क्या निकली? और इन्होंने पूछताछ के और जिस फोन को उन्होंने इस्तेमाल किया था और जो इनका फोन था जब इसको जो है हम लोगों ने देखा तो उसमें कुछ ऐसे फोटो थे जिसमें इनके पास नाजायज असलहे भी थे। उस नाजायज असलहे को जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसे वो भी बरामद किए गए। और इसके बाद मुख्य रूप से जो इनका काम था ये सिर्फ मौज मस्ती के लिए पैसे कमाना और एक बिगड़ गए थे वो उसकी अपराधी प्रवृत्ति के लिए इन्होंने ये काम किया था। तो पहली बार सर घटना है? हाँ, अभी इनके द्वारा पहली बार की शुरुआत थी और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इनके गिरफ्तार करके न्याय